गली बिरानी थाने के रोड में रोड हादसा, दो अफराद जान गए, दो जख्मी। हादसा लैंड क्रूजर और कार में हुआ, जबकि दो जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। नेशनल फ्रंट के चेयरमैन रोशन मोहतरमाला लिंगा ने डीवी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, सराइकी अवाम ने इमरान खान को अपना वजीर समझकर वजीर आजम मुंतखब किया। वजीर आजम इमरान खान जनूबी पंजाब के गैर अवाम के लिए अलग सूबा सरायकस्तान बनाकर उनकी उम्मीदों को पूरा करें। मोहतरमाला लिंगा ने कहा की सरायकस्तान नेशनल फ्रंट अलग सूबे की असूल के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाएगी। हम कुछ भी ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, जिस बुनियाद पर बलूचिस्तान वजूद में आया, जिस बुनियाद पर सिंध, और अब रिसेंटली आप केपीके को देख लें, खैबर पख्तूनख्वा, तो उसे उन्हीं बुनियादों पर आप सराइकिस्तान को मौजूदा वजूद में लेकर आए। उनका रवीद कहना था आलम में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर हुकूमत को फौरी एक्शन लेना चाहिए। हमारे नबी के नाम पर हमारे मसले भी कुर्बान है। मोहम्मद राशिद खान, नुमाइंदा डीजी न्यूज, चली गोट। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की सड़कों में भीख मांगने वाला भिखारी लाखपति निकला। भिखारी का बैंक अकाउंट भी जिसमें 10 लाख और 10,000 से ज्यादा रकम मौजूद है। शौकत भिखारी का कहना है कि वो नौकरी के लिए MPMNA के पास गया, धक्के खाकर वापस आ गया, सड़क का बादशाह बन गया और अब नौथी नोट है। बार बार इंग्लिश बोलने वाला ये मॉडर्न भिखारी रोजाना 1,000 कमाता, 3 दिन बाद बैंक में रकम जमा कराता। शौकत भिखारी का कहना था कि खाता भी वो मांग कर ही है, 4 जगह से मांगने पर 1 जगह से तो मिल ही जाता है। मीरापुर मेरा शाह जमाल, मैं मीरापुर में रहता हूँ। 10,000 रुपया आई देख को भाषा दें, 10,000 शौकत भिखारी। भिखारी ने अपनी भीख वाली रकम से 10,000 रुपए भाषा डैम फंड में जमा कराने का भी कहा। जफरगढ़ के इलाका शाह जमाल का रहने वाला शौकत भिखारी का मजीद कहना था, न डीजल न पेट्रोल न ही CNG का खर्चा, बस सैर की सैर हो जाती है। बलू मुतासरीन शिमाली वजीरस्तान के मुतालबात के हक में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। FDMA के जिम्मा 7 माह की 84,000 खानदान बताया जात है अदायगी नहीं हो रही। बकाखेल के मुकाम पर मुतासरीन गाड़ियां कस्टम एहलकारों ने पकड़ी हैं, हवाला किए जाए, वापसी में मजीद ताखीर नहीं मानते, अफगानिस्तान में आरजी मकीम वजीरस्तान वापस भेजा जाए। जरब अंत में मसार बताखेल अमकान के मुआवजा 4 लाख से बढ़कर 15 लाख रुपए की जाए। हमारी मरदमशुमारी में बेजाबतगी है। 1998 में आबादी 1,10,000 थी, आज 75,000 है। नई सिरे से मरदमशुमारी की जाए, मंगल तक मुतालबात तस्लीम न किए गए तो पेशावर में 3 रोजा एहतजाजी कैंप लगाएंगे। मियाजनू के इलाका तलगमा बस्ती की जमींदार की कार पर कातिलाना हमला, हमला में मोहम्मद रमजान बाल बाल बच गया, ईंटों के पथराव से इनकी कार के शीशे टूट गए। तफसीलात के मुताबिक तलगमा का मशहूर जमींदार मियां मोहम्मद रमजान अपनी गाड़ी में सवार होकर अपने घर बस्ती बगवाला में जा रहा था। मकान की छत पर ताकील में बैठे हाफिज अहमद यूसुफ और इसकी बीवी ने मियां रमजान को कत्ल करने की नियत अचानक इस पर ईंटों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कार के शीशे टूट गए। मोहम्मद रमजान बागियत में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त थाना तलगमा में गुजार दी गयी। सहीवाल तहसील कोट चिचावतनी पसंद की शादी पर मैदान जंग बन गया। सहीवाल की तहसील चिचावतनी के गांव 42-12L के राशि नौजवान लड़के और लड़की ने चंद रोज पहले पसंद की शादी की, जबकि शादी करने वाला जोड़ा मजीबर रहमान शामी मजिस्ट्रेट की अदालत में दफा 164 के बयान रिकॉर्ड कराने आया तो पहले मौजूद लड़की और लड़के के वारसा आपस में हाथापाई हो गए। इन्होंने मुको घुसो का आजादाना इस्तेमाल किया। अतला मिलने पर सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई और हालात को कंट्रोल में किया। पुलिस ने पसंद की शादी करने वाले जोड़े को तहवील में लेकर बाहर कचहरी से बाहर निकाल कर रवाना किया और महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया।